आप यहाँ कैसे? बहुत ताज्जुब हो रहा है। मेरा अपने घर में होना ताज्जुब की बात नहीं है, तुम्हारा यहाँ होना ताज्जुब की बात है। मतलब इस घर के मालिक के बेटे? वो गुंडा मावाली मैं ही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो आप ही हैं। पिताजी ने कहा तो मैं कोई और समझ रही थी। सिया, अरे अरे, ये क्या बेटी, 40 दिनों तक मौन रख कर रंगोली बनाना चाहती थी ना, आखिरी दिन बोली बैठी ना। 40 दिन का मौन व्रत, जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से तो एक दिन भी चुप नहीं रह सकती। मेरी किस्मत में अच्छा पति मिलना नहीं लिखा होगा, इसीलिए ऐसा हुआ। बैड लक। इस लड़की में बहुत सारे गुण हैं बेटे, सुशील, सुंदर, भक्ति, पिकअप, माइलेज, वारंटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। Who is she? How does she look? ठीक है। वैसे अगर लुक्स की बात छोड़ ही दें तो she is educated, independent, एक जॉब करके फादर को सपोर्ट करती है। लेकिन एक बात है, तुम्हारे कैरेक्टर से एकदम अपोजिट है। हे, अपन तो बिंदास है बॉस, लाइफ कैसे एंजॉय करना चाहिए सबको मुझसे आकर सीखना चाहिए। नमस्ते वेनु जी। महेश राज जी, इतने बड़े लॉयर हैं तो मतलब फीस भी ज्यादा होगी। आप उसके बारे में फिकर मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। थैंक्स। कल का अपॉइंटमेंट है ग्रीन पार्क होटल, रूम नंबर 122। मैं पिकअप करने आ जाऊंगा। थैंक्स अ लॉट, रखती हूँ, बाय। थैंक्स आंटी। लेकिन वकील ने इसे होटल में क्यों बुलाया? सो आपके हीरो संजय ने आपके प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं दिया हंसा? हाँ, लेकिन उसका फ्रेंड वेनु एक अच्छा इंसान है। मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। आई थिंक वेनु, लॉयर के पास जाना है, आती हूँ, बाय। हाय, व्हाट अ सरप्राइज, आप यहाँ, कम इनसाइड। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको एक बात बताने आया था। लॉयर ने आपको होटल में बुलाया तो मेरी अनपढ़ माँ को भी उस पर शक हुआ, आपको नहीं हुआ? वेणु एक बड़ा फ्लर्ट है, लड़कियों के साथ एंजॉय करके छोड़ देना उसकी हॉबी है। अगर आपकी भी ऐसी कोई हॉबी हो तो आपकी मर्जी। बाय। हंसा, तुम्हारा बैग। वेणु था, वेरी हैंडसम। नहीं संजय, एक शॉकिंग न्यूज बताई। हाय हंसा, वेटिंग, कम ऑन। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं अपने पापा के साथ जाऊंगी। हे हंसा, उन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत है, तुम्हारे लिए मैंने लीव ली है ना। आओ, लॉयर केस के बारे में बात करने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। कम, लेट्स गो। ए, हाथ हटा। इसमें गलत क्या है? हाथ हटा आजकल, क्या लगा कि मुसीबत में हूँ तो मेरा फायदा उठाओगे? इडियट, व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग। शट अप, ग्रीन पार्क में कोई लॉयर नहीं है, लेकिन रूम तेरे नाम से बुक है, झूठ बोलकर मुझे वहाँ पर क्यों ले जाना चाहते हो बताओ? कल तो होटल में आने के लिए राजी हो गई थी, आज क्यों अचानक बदल गई? फ्री में नहीं चाहिए, कैश दूंगा। यू रास्कल, तूने मुझ पर हाथ उठाया, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, वेनु के बारे में हंसा के ऑफिस में जाकर क्यों बताया? क्यों बताया होगा, वो मुझसे प्यार करने लगा है, शायद इसीलिए। तुम चाहे मना कर लो, लेकिन वो लड़की वेनु से प्यार करती है, इसलिए तुम्हें वेनु के ऊपर जलसी महसूस हुआ। Am I right? You are wrong. वेनु का फ्रेंड होने के बावजूद भी मुझे बचाने की क्या जरूरत होगी, वो चुप भी तो रह सकता था ना। चुप नहीं रह पाया मतलब वो भी प्यार जरूर करता होगा, कोई फायदा नहीं जाए, तुझे प्यार हो गया है। लाइफ में कामकाज का पर्पस ना हो तो प्यार में गिरते हैं, पड़ते हैं, तैरते हैं, लेकिन ये संजय ऐसा नहीं है। सिर्फ संजय को ही नहीं, हर किसी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्यार हो ही जाता है, लेकिन किसी को देर से पता चलता है तो किसी को जल्दी पता चल जाता है बस। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है He is in love with you.